कन्नौज नगर के नवीन हाई स्कूल के पीछे स्थित खेल ग्राउंड पर सीएम राइज स्कूल बनाए जाने के विरोध में गोल्डन क्लब के सदस्यों और खिलाड़ियों ने बुधवार को रैली निकालकर एसडीएम अभिषेक सिंह को ज्ञापन सौंपा है। गोल्डन क्लब के संस्थापक संजय झंझोर ने बताया कि पिछले करीब 35 से 40 वर्षों से यह खेल ग्राउंड स्थित है। इस ग्राउंड से कई प्रतिभाएं निकली हैं, जिन्होंने देश तथा प्रदेश में कन्नौज का नाम रोशन किया है। झंझोट ने बताया कि सीएम राइज स्कूल के लिए यह खेल ग्राउंड पर्याप्त भी नहीं है, इसलिए नगर के अन्य स्थानों जैसे कॉलेज के पीछे वाली भूमि, सतवास रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड वाली भूमि पर पर्याप्त जमीन है, वहां पर स्कूल का निर्माण किया जाना चाहिए। स्कूल के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि भी मिल जाएगी, साथ ही ये खेल ग्राउंड भी कायम रहेगा। यदि खेल ग्राउंड पर ही सीएम राइज स्कूल का निर्माण किया जाता है तो खिलाड़ियों द्वारा क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।